नमस्कार, भीम SBI पे मर्चेंट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आइए आपका परिचय भीम SBI पे मर्चेंट से करवाते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से भीम SBI पे ऐप को डाउनलोड करें, बिजनेस फॉर मर्चेंट को चुनें और जारी रखें बटन दबाएं। मर्चेंट टैब चुनने के बाद पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए SBI खाते से जुड़े मोबाइल सिम को चुनें और जारी रखें बटन दबाएं। तीन प्रकार के व्यापारियों को भीम SBI पे में शामिल किया जा सकता है, जैसे कि मौजूदा व्यापारी जिनके पास SBI का QR कोड पहले से उपलब्ध है, व्यापारी जो प्री प्रिंटेड QR कोड लेना चाहते हैं और व्यापारी जिनके पास प्री प्रिंटेड QR कोड है। अब हम आपको मौजूदा व्यापारी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। क्या आपके पास SBI QR कोड है? यदि हाँ, तो कृपया अपने SBI खाते से जुड़े सिम का चयन करें और जारी बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर अपने अकाउंट नंबर या VPA को लिंक करें। कृपया पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को दर्ज करें। कृपया अगली स्क्रीन पर दी गई अपने खाते की जानकारी ठीक से जांच लें और आगे बढ़ने के लिए नियम और शर्तें स्वीकार करें। अपनी प्रोफाइल देखने के लिए कृपया अपना 6 अंकीय ऐप पिन बनाएं। अपना दूसरा मोबाइल नंबर दर्ज करें। ऐसा करना अनिवार्य है। आपने भीम SBI पे मर्चेंट ऐप पर सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है। देश के क्रांतिकारी भुगतान मंच यानी UPI में आपका स्वागत है। अपने ऐप पिन से लॉगिन करने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें। इसी के साथ मौजूदा मर्चेंट ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया समाप्त होता है। अब हम आपको नए व्यापारी पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। यदि आपके पास SBI QR कोड उपलब्ध नहीं है, तो नए व्यापारी का विकल्प चुनें। कृपया इस स्क्रीन में अपना खाता नंबर दर्ज करें। कृपया पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें। कृपया अगली स्क्रीन पर आए अपने खाते की जानकारी को जांच करें और आगे बढ़ने के लिए नियम और शर्तें स्वीकार करें। कृपया कोई सुझाया गया VPA चुनें या अपने पसंद का VPA सेट करें। अपना प्रोफाइल देखने के लिए कृपया 6 अंकों का ऐप पिन बनाएं। अपना वैकल्पिक मोबाइल नंबर दर्ज करें, जो अनिवार्य है। आपने भीम SBI पे मर्चेंट के साथ सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है। देश के क्रांतिकारी मंच UPI में आपका स्वागत है। अपने ऐप पिन से लॉगिन करने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें। अब हम भीम SBI मर्चेंट की विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताएंगे। लॉगिन करने के लिए कृपया अपना 6 अंकों का ऐप पिन दर्ज करें। लॉगिन करने पर आप अपना QR, VPA और आज के लेन देनों के विवरण देख सकते हैं। QR कोड को उस पर क्लिक करके बड़ा करें, जिसे सेव किया जा सकता है और पैसे प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही कोई ग्राहक लेन देन करेगा, आपको तुरंत उसी समय ऐप पर सूचना प्राप्त होगी। मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में नोटिफिकेशन पर क्लिक करने पर लेन देनों का ब्यौरा फुल स्क्रीन पर प्राप्त होगा। प्रत्येक नाम पर क्लिक करने पर आपको लेन देन की जानकारी, जैसे लेन देन ID, ग्राहक का नाम, राशि और लेन देन की तारीख मिल जाएगी। इस ऐप में आप नाम, ट्रांजैक्शन नंबर, खाता संख्या तथा मोबाइल नंबर, किसी के भी द्वारा लेन देन के विवरण प्राप्त कर सकते हैं। अपने प्रोफाइल के विवरण जांच करने के लिए मेन्यू में व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करें। निपटान अंतराल को अपडेट करें और प्रोफाइल पेज पर MIS विवरण अंतराल चुने। डिफॉल्ट रूप से निपटान T+0 पर किया जा रहा है। यदि आप चाहें तो T+1 का विकल्प चुन सकते हैं। अपने उप एजेंट को जोड़ने, देखने तथा हटाने को आपको अधिकार है। व्यापारी उप एजेंट का नाम और मोबाइल नंबर जोड़कर स्वयं से एक नया उप एजेंट जोड़ सकता है। मुख्य व्यापारी को उप एजेंट के मोबाइल नंबर पर पुनः प्राप्त OTP को दर्ज करना होगा। सफल वैलिडेशन पर QR कोड और VPA जनरेट होगा। आपका उप एजेंट भीम SBI पे मर्चेंट टैब को डाउनलोड कर सकता है और व्यू राइट्स के साथ लेन देन की निगरानी के लिए उपयोग कर सकता है। उप एजेंट के QR कोड पर क्लिक करके बड़ा करें, जिसको सेव किया जा सकता है और पैसे प्राप्त करने के लिए किसी के साथ साझा किया जा सकता है। एजेंट टैब में सक्रिय उप एजेंटों की सूची देखें। एजेंट के नाम पर क्लिक करने पर व्यापारी को व्यक्तिगत उप एजेंट के MIS को देखने का विकल्प मिलता है
और यहाँ तक कि वह उप एजेंट को निष्क्रिय या हटा भी सकता है। लेन देन रिपोर्ट दिखाएं पर क्लिक करके व्यक्तिगत एजेंटों की MIS रिपोर्ट प्राप्त करें। प्रत्येक उप एजेंट की रिपोर्ट दैनिक आधार पर, मासिक आधार पर और वांछित तिथियों या माह पर तैयार की जा सकती है। ऐप, नाम, ट्रांजैक्शन नंबर, खाता संख्या और साथ ही मोबाइल नंबर के साथ लेन देन को खोजने की अनुमति देता है। वांछित अवधि की MIS रिपोर्ट को देखा जा सकता है, ईमेल के माध्यम से साझा किया जा सकता है या वास्तविक समय के आधार पर एक्सेल फाइल के रूप में डाउनलोड किया जा सकता है। मेन्यू सूची में जेनरेट डायनामिक QR कोड पर क्लिक करके डायनामिक QR कोड जेनरेट करें। बिल राशि दर्ज करें, QR कोड जेनरेट पर क्लिक करें और ग्राहक से भुगतान प्राप्त करने के लिए डायनामिक QR कोड दिखाएं। फिजिकल QR ऑर्डर करने के लिए ऐप के मेन्यू में जाकर ऑर्डर फिजिकल QR टैब पर क्लिक करें। भौतिक QR कोड पंजीकृत पते पर भेजा जाएगा या डिलीवरी के लिए नया पता स्वयं से जोड़ा जा सकता है। अपनी व्यवसायिक गतिविधि को बदलने के लिए व्यापारी मेन्यू सूची में व्यवसाय टैब में जाकर परिवर्तन कर सकता है। उप व्यापारी भी भीम SBI ऐप डाउनलोड करके MIS विवरण देखने, डायनामिक QR कोड जेनरेट करने और अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए ऐप पर पंजीकरण कर सकते हैं। धन्यवाद।